अमिताभ जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ कोई ऐसे मेमोरेबल बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? I just want to say about Amitji that he is so funny. He is so funny, which is not a joke. मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर उनका पूरे सिस्टम में भरा हुआ है एंड इट्स अमेजिंग. एंड एक एक्सपीरियंस नहीं है, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि रिमेम्बरिंग दिल जो भी कहे इज़ ऑलवेज गॉट अ स्माइल ऑन माई फेस. तभी जैसे आई रिमेंबर आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल एंड ही वॉकड इन एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर. सो उस दिन मेरी छुट्टी थी और बाकी यूनिट शूट कर रही थी. तो shoot as in I don't know, some work was going on and the producer came with him and he looked at me as in my swimming costume and I just jumped off into the pool. So I suddenly got very nervous. I'm a very shy person, so ek to maine swimming costume pehni hai, sorry. And you see the legendary Amitabh Bachchan coming. I did not know what I was doing. It was like without thinking you react. तो ऐसे खड़े खड़े सीधा पानी में ना वेंट लाइक दैट एंड ही इज लाइक व्हाट हैपेंड टू यू एंड आई वाज गोइंग इन द पूल. आई होप ही डजंट सी मी, आई होप ही डजंट सी मी. एंड ही इज लाइक आर यू भूमिका? लाइक शिट, आई सीरियस आई एम. एंड द नेक्स्ट डे वी वर शूटिंग एंड ही एंड दिस इज द डायलॉग इन द फिल्म वेयर ही हैज टू से मैं चाहता हूँ कुछ करने, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, हमारे घर होली है कल, घर आइए. दैट वाज हिज डायलॉग. An instant, you know, and I'm looking at him. He's like, "Hamare ghar aap aaiye, holi hai, aur hamare swimming pool mein kud jaiye." I said, "Okay." He is like, and he is so disciplined, so amazing as a person, personality. 30 years to be in an industry, and still exude that kind of poise, the discipline, the desire to work, the exuberance. और उतनी ही एनर्जी और एंथुजियाज़म दिखाना बहुत मुश्किल है. मतलब 30 साल के बाद मेरे में इतना एंथुजियाज़म तो खैर नहीं रहेगा. सो इट टेक्स अ लॉट टू हैव दैट सेम काइंड ऑफ एंथुजियाज़म. ही इज़ ब्रिलियंट. अभी है बाकी, हर सुबह के आने से पहले एक रात है बाकी, आँखों में तेरे अभी नींद है बाकी, होठों पे तेरे अभी मुस्कान है बाकी, फूलों में अभी तक खुशबू है बाकी, कयामत जो ढा जाए वो बात है बाकी, मेरा दम निकलने तक एक आस है बाकी.